श्री मुक्तसर साहब के पिंड ईना खेड़ा विच बेअदबी की कोशिश हुई। इत्थे गुरद्वारा साहब के ग्रंथी सिंह वालों बेअदबी की कोशिश नाकाम करन दा दावा किया गया। श्री मुक्तसर साहब के पिंड दे विच एक घटना वापरी है। पिंड ईना खेड़ा विच बेअदबी की कोशिश हुई है। गुरद्वारा साहब के ग्रंथी वालों बेअदबी की कोशिश नाकाम करन दा दावा किया गया ते कहा कि पवित्र सरूप चुकण की नौजवान वालों कोशिश की गई, जिसका कि उन्होंने मुकाबला करके रोकया। मानसिक तौर पर परेशान यह नौजवान दसा जा रहा है। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच गई है, जांच जारी है। दस दी कि सूबे लगातार बेअदबी दी घटनावां जिहड़ियां वापरियां ने, जिसनों लैके रोस भी पाया जा रहा है। तो हुण इत्थे यह दावा किया गया कि इत्थे बेअदबी की कोशिश जिहड़ी है नौजवान वालों करन की कोशिश की गई है। श्री मुक्तसर साहब के पिंड ईना खेड़ा विच गुरद्वारा साहब के ग्रंथी सिंह वालों बेअदबी की कोशिश नूं नाकाम करन दा दावा किया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच की जा रही है। जो ये दुकान सुबह वरत्या जी तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब मैं मतलब डेरे के मौजूद सा, तो थोड़ा जहा मैं मतलब साइड पर काम पैन करके मैं अपने कमरे के चले गया जी। वो जो काम कमरे उसे जाने के नाल मतलब गुरु साहब के अगे शस्त्र पे से जोड़े उन्होंने नाल मतलब उन्हें दुर्व्यवहार किया। चुकन तो महाराज साहब की बेअदबी होने तो पहला मतलब वो जो शस्त्र से वह मैं मन को मतलब समेटे, वो समेट के वेद जदों महाराज साहब की बेअदबी वाल वध्या उन्होंने फिर मैं मतलब बड़े मतलब जोर दे नाल पकड़िया, पकड़ के उन्होंने बाहर लिया जी। बाहर लिया के उन्होंने सट के वे मतलब हाथों पाई हो जी, सट पेट मेरे हाथ से मतलब सट लगन के कारण मतलब फिर उन्होंने पिता जी आ गए। पिता जी के नाल आन के कारण मतलब फिर उन्होंने मतलब भी अणख सुखावी घटना होने तो मैं रोक लिया जी। उन्हें इतने सेवा करते जी, नाले कोई ये नहीं कोई मतलब कोई कोई बगाना बंदा आया जी, वो सारा मतलब इतों डेरे के नाल जिन्ना प्रबंधक मतलब संभालते हैं सारे उन्होंने अंडर है जी। भी 22 साल के लगभग है जी, कोई ज्यादा उम्र नहीं गई वैसे तकरीबन। इस बारे मतलब परिवार सिद्ध कर रहा है जी कि उन्होंने कोई बीमारी सी उन्होंने। बाबा जी गुरसेव सिंह कहते भी गुरु ग्रंथ साहब सेफ है, कोई अपने यह जी बेअदबी वाली कोई गल नहीं हुई। वो कहता मेरे बेटे की जी भी दवाई चलती है इतों डॉक्टर सदाने को, तो सिविल हॉस्पिटल मेरा जो बेटा है वो दिमागी थोड़ा कपसट है। मैं बाबे ने भी बेनती की है भी जो मेरा बेटा है मेरा भी किसी गल घुट दिता तो इनू अपना इलाज किया जाए, तो बाकी जी पड़ताल कर रहे हैं भी।